नमस्कार। जैसे कि हम जानते ही हैं कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें कि नीट 2024 कैंसिलेशन को लेके पटिशन्स पर सुनवाई होगी और उम्मीद है कि फैसला किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड हम ये भी जानते हैं कि वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आप 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हो। 5 जुलाई की बिल्कुल शाम हो गई है, 5:30 बजी, अभी तक MCC ने अपना ब्रोशर भी रिलीज़ नहीं करा। और आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि जैसे वो MDS का ब्रोशर आया ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से काम होता है। और वो MCC ही लीड करती है, जो कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बॉडी है, और वो अपने शेड्यूल देते हैं और फिर वो स्टेट्स को रिकमेंड करते हैं शेड्यूल्स। और MCC का राउंड 1, स्टेट्स का राउंड 1, MCC का राउंड 2, स्टेट्स का राउंड 2, ऐसे चलता है, मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। और अब शुरू होगी काउंसलिंग, तो उम्मीद है कि सितंबर एंड तक ख़त्म होगी, अक्टूबर में ज्वाइनिंग होगी, प्रोवाइडेड 8 जुलाई को फैसला रीनिट में ना आए तो। जो मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा कोई पक्ष नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे वीडियो सुन सुन के कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा लिखते हैं कि जो लोग शायद रीनिट चाहते हैं कि सर शायद नीट स्क्रैप के अगेंस्ट है। मैं कई बार क्लियर कर चुका ना मैं फेवर में हूँ ना मैं अगेंस्ट हूँ, जो भी तथ्य है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। और उसी उसमें एक और तथ्य है, अभी भी आया है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि उनके एफिडेविट के हिसाब से उन्होंने ये बोला है कि स्क्रैप नीट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमें लार्ज स्केल ब्रीच का प्रूफ नहीं मिला है। जहाँ छुटपुट घटनाएँ हो रही है वहाँ CBI अपना काम करके दोषियों को पकड़ रही है, हम उन्हें सजा देंगे, उनका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, पर कोई ऐसा मेजर लार्ज स्केल इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो रीनीट वाली कोई बात ना की जाए। तो वो आज दिया गया एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कंसिडरेशन में लाएगा 8 तारीख को। एंड लुकिंग एट एवरीथिंग आई अगेन रिपीट, कोई लोग मुझसे पूछते हैं सर आपकी क्या जजमेंट है, एंड माई जजमेंट एज अ मैनेजमेंट गाय प्रीवियसली बिफोर हेल्पिंग यू गाइज एज अ MBBS काउंसलर is looking at everything and looking at the situation currently, looking at the date, looking at the delay, looking at this affidavit, re-need हो इसका चांस तकरीबन अब जीरो नेगलिजिबल हो चुका है। तो आप लोग जो भी re-need करवाना चाहते हैं वो जो कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए, पर जो दूसरी तरफ के लोग हैं आई थिंक उनको अपनी काउंसलिंग की प्लानिंग और सीट लेने की प्लानिंग आई होप कि वो अभी तक कर रहे थे, वेट नहीं कर रहे थे, लेकिन इस वीकेंड पे जो भी प्लानिंग करनी है वो ख़त्म कर लीजिए और डिले मत कीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हमसे संपर्क करना चाहते हैं आप जानते ही हैं, कॉल अस ऑन 9643362320, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड आई ऑलवेज रिपीट, आपको कभी भी मुझसे या मेरी कंपनी जिसका नाम ग्लोबल नॉलेज वर्क्स या GK वर्क्स है, कोई SMS नहीं आएगा, कोई फ़ोन कॉल नहीं आएगा, कोई टेलीकॉलिंग नहीं आएगी। जो लोग हमसे एक कॉल लेते हैं हम उनको भी कभी दोबारा फॉलोअप नहीं करते कि आप हमारा पूरा पैकेज ले लीजिए, तो फिर आप समझ लीजिए कि हाउ मच वी वैल्यू माय टाइम और एटलीस्ट आई वैल्यू माय टाइम। तो हम उन्हीं से बात करते हैं जो फीस देने को तैयार है। जो भी मुफ्त की जानकारी है वो मैं जब समय मिलता है YouTube वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ ताकि आप सबका भला हो, लेकिन हम उससे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, पर्सनली काउंसलिंग करा के, पर्सनली अपना केस हैंडल करवा के सीट लेना चाहते हैं, देन इट इज़ अ पेड सर्विस फ्रॉम फर्स्ट वेरी फर्स्ट कॉल टिल द लास्ट थिंग। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।